हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये बैच 2 है, फर्स्ट बैच इसका हुआ है, उसमें 40 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये बैच 2 अगर आप ज्वाइन करते हैं सेकंड बैच, तो ये 40 टेस्ट जो पहले बैच में हुए हैं वो भी आपको इसके साथ में मिल जाएंगे, और इस बैच में भी 40 टेस्ट करवाएंगे आपके एग्जाम तक। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन है और आपका सिलेबस पूरा कवर किया जाता है। यहाँ पे हो सकता है आपका देख के लगता है कि भाई पूरा टेस्ट नहीं है, लेकिन उसके पीछे वजह है, क्योंकि अगर पूरा टेस्ट करवाते हैं यहाँ पे तो एक तो आप लोग उसको पूरा देखते नहीं है, एक डेढ़ घंटे का वीडियो बनता है तो उसको पूरा देखते नहीं है, कोई 2 मिनट का देख के जबकि फ्री होंगे, जब देखेंगे उससे रीच डाउन हो जाती है, उसका फायदा रहता नहीं है, तो इसलिए फिर जितना पॉसिबल होता है उतना करवा रहे हैं। लेट्स बिगिन। भारत के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सहमति प्रदान की है? भारत के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी रिसेंटली नेपाल ने सहमति प्रदान की है। नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान है नेपाल, उसने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली और जो इंडिया फाउंडेशन है दिल्ली, इसके सहयोग से ये सम्मेलन का आयोजन किया है। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष निम्न में से कौन बनी है? अभी रिसेंटली फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है, ये कौन बनी है? अभी ये जो बनी है 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, जय श्रीदास वर्मा। इन्होंने उद्योग मंडल है ये फिक्की महिला संगठन, इसके 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ये जो फिक्की महिला संगठन है ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है, ये नाम ध्यान रखिएगा, जय श्रीदास वर्मा 41वीं अध्यक्ष बनी है इसकी। हाल ही में मध्य प्रदेश में जघन्य अपराधों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये जघन्य अपराधों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संदेश ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित कास अल्ट्रा मैराथन में मध्य प्रदेश से किसने स्वर्ण पदक जीता है इस मैराथन में, और ये कहां पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के सतारा में। तो मध्य प्रदेश से इसमें गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? कि अंकित शर्मा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। NMEICT, इसका क्या अर्थ है? NMEICT द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस तरीके का कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, तो ये जो ICT है उसी में है। इस तरीके की जो फॉर्म है उनका शॉर्ट फॉर्म या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो मिशन है ये पूछे जाते हैं अक्सर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। NMEICT क्या है? द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ICT के माध्यम से शिक्षा का ये राष्ट्रीय मिशन, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट बना रहता है आपका, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म निम्न में से कौन सा है? सार्वजनिक खरीद की बात हो रही है, सार्वजनिक खरीद के लिए वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। देखिए भारत का ये गवर्नमेंट ई मार्केट है, गवर्नमेंट ई मार्केट जैम, यह है गवर्नमेंट ई मार्केट, ये जैम पोर्टल है, और कोरिया का जो ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो है, ये कोरिया का है, और सिंगापुर का है बिज, ये तो कोरिया का है और ये सिंगापुर का है। इसके बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो जैम पोर्टल बन गया है। अब
ई कॉमर्स आपके सिलेबस में है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? देखिए, समशीतोष्ण क्लाइमेट कौन सा होता है? समशीतोष्ण जलवायु वो होती है जिसमें अपेक्षाकृत मध्यम और औसत वार्षिक टेम्परेचर रहता है, जिसमें औसत जो मंथली टेम्परेचर की बात करें तो जो सबसे गर्म महीने उसमें 10 डिग्री से ज्यादा और ठंडे महीनों में -3 डिग्री से अधिक हो जाता है, ये चेंजेज आता है उसकी बात हो रही है। शीतोष्ण जलवायु में अधिकांशतः चार मौसम होते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी के बीच तापमान में इसमें बड़े पैमाने पे बदलाव होता है। एक तो गर्मी शुरू हो गई, फिर एक गर्मी में मैक्सिमम टेम्परेचर, सर्दी शुरू हो गई, फिर सर्दी में भी सबसे ज्यादा सर्दी, लोएस्ट टेम्परेचर, तो ये चार इसमें बदलाव होते हैं। अब ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में बात हो रही है समशीतोष्ण जलवायु, ये जो मालवा प्लेट्यू रीजन है वहां पे है। इस रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं जरूर पढ़िएगा, वैसे टेस्ट में करवा देंगे, पहले भी करवाया है, आगे भी करवा देंगे। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी से सबसे अधिक सुधार देखा गया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो राज्य नीति एवं योजना आयोग है उसकी रिपोर्ट है 2023 की, अभी उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के कौन से जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे, मतलब गरीबी में सुधार हुआ है। जो बात चलती है ना कि गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं इतने लोग, तो मध्य प्रदेश में कौन से जिले में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं ये पूछा गया है। सबसे ज्यादा सुधार देखा गया है तो वो अलीराजपुर में देखा गया है, अलीराजपुर में 31.05%। पूरे भारत में मध्य प्रदेश की गरीबी की कुल संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है बड़वानी है 28.08%, इसके बाद खंडवा आता है 27.38%, फिर बालाघाट आता है 26.48%, और फिर टीकमगढ़ आता है 26.33%। ये लोग सर्वाधिक सुधार इनमें दर्ज किया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए कहीं पे, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखिए तो आपको मिल जाएगा, ये आपके मेल पे इवनिंग तक सेंड कर देंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ग्वालियर खंडपीठ का प्रशासनिक जज नियुक्त किया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, उसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उसकी प्रिंसिपल जो सीट है वो है जबलपुर में, लेकिन इसकी दो सर्किट ब्रांच भी है। एक सर्किट ब्रांच है इसकी इंदौर में है, और दूसरी जो सर्किट ब्रांच है ग्वालियर में है। तो ये जो ग्वालियर वाली खंडपीठ है, इसका प्रशासनिक जज अभी किसे नियुक्त किया गया है? ये जस्टिस विवेक रूसिया को नियुक्त किया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का विषय क्या है? तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली जो ये अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शिखर 2024 हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित हुआ है। अभी इसका सब्जेक्ट क्या था, ये जो आयोजन हुआ है इसका सब्जेक्ट था विकसित भारत नया भारत। ये रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और उसके जो सहयोगी इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का समापन हुआ है, और इस समिट का जो सब्जेक्ट था वो था विकसित भारत नया भारत, ए इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में किस तीर्थ स्थल पर 12 दिवसीय नर्मदा पुष्कर महोत्सव आयोजन किया जा रहा है? कौन से तीर्थ स्थल पे 12 दिवसीय नर्मदा पुष्कर महोत्सव आयोजन किया जा रहा है? ये ओंकारेश्वर में किया जा रहा है, ओंकारेश्वर टेम्पल, ये एक हिंदू मंदिर है, खंडवा जिले में पड़ता है ओंकारेश्वर, और ये नर्मदा नदी के बीच में जो मंदाता या शिवपुरी द्वीप है वहां पे है। ये भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। सदियों पहले जो कोली ट्राइब थी, कोली जनजाति,
या ये यूं भी हो सकता है, कोली जनजाति ने इस जगह पे लोगों की बस्तियां बसाई और अब यहाँ पे उनकी भव्यता इतिहास यहाँ का प्रसिद्ध है। ये द्वीप एक्चुअली जो हिंदू पवित्र चिन्ह है ओम उसके आकार में बना हुआ है। यहाँ पे दो मंदिर है, ज्यादातर हम बात करते हैं ओमकारेश्वर की, लेकिन यहाँ पे एक और मंदिर है ममलेश्वर। ममलेश्वर का मंदिर भी यहीं पे है और यहाँ पे 12 द्विशीय नर्मदा पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्थापित देश का पहला कॉलेज जहां मन और बुद्धि के विषय की शिक्षा दी जा रही है, मन और बुद्धि के विषय की शिक्षा दी जा रही है, ये पहला कॉलेज है। और ये कौन सा है? शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय है और ये उज्जैन में है। त्रिशरीर सिद्धांत उस पे बेस्ड एजुकेशन यहां दी जा रही है। इस नंबर के थ्रू आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो इसका मतलब वो आउटपुट होगा अगर इनपुट नहीं है, तो हमें ये देखना है इनमें से आउटपुट कौन सा है अगर इनपुट नहीं है। तो देखिए मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन ये सभी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हो गया आपका, स्पीकर है आपका, हेडफोन है, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। अब इसमें से देखिए मॉनिटर है तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आईसीटी में आप एक्सपेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थापित किया गया है? कौन सी जगह मध्य प्रदेश में ये भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये गुना में स्थापित किया गया है। BLOB इसका पूर्ण रूप क्या है? BLOB है, इसका पूर्ण रूप है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? एक डेटा प्रकार है जिसका यूज किया जाता है जो बड़े बाइनरी डेटा है, जैसे कोई पिक्चर है, ऑडियो है या कोई मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट है, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको संग्रहित करने के लिए BLOB बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट इसका यूज किया जाता है। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है, ये पहाड़ी किस शहर के निकट है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चंबल नदी कहां से निकलती है, तो चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी कहां है? मऊ में है। मऊ है ये इंदौर जिले में पड़ता है और इसके पास से विंध्याचल रेंज है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज है यहाँ पे मऊ में, और इसके जो सदर्न ढलान है वहां से निकलती है चंबल नदी। जानापाव की पहाड़ियां और विंध्याचल रेंज का पार्ट है ये चंबल नदी। एक बारहमासी रिवर है और इसकी सहायक नदियां भी पढ़ लीजिएगा आप, इसकी सहायक नदियां कौन सी है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे शिप्रा है, सिंध है, काली सिंध है, कुनू है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना, फिर आगे राजस्थान में एंटर करती है ये, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ इधर बहती है। रिवर सिस्टम का वीडियो अवेलेबल है मध्य प्रदेश की नदियों का, आप चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा, उसमें सब कवर किया हुआ है। सही मेल करवाना है, तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तानसेन का का जो मकबरा है ये ग्वालियर में है। सांची, सांची रायसेन में है। महाकालेश्वर, महाकाल मंदिर है, महाकालेश्वर ये उज्जैन में है, ओंकारेश्वर खंडवा में है। BADC या फिर यूं कहें 2143, 2143 सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का पहला तैरता रंगमंच मध्य प्रदेश में कहां पर है? पहला तैरता रंगमंच ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है।
ग्वालियर में इसको बेजा ताल के नाम से भी जानते हैं, बेजा ताल, बेजा ताल के नाम से भी इसको जानते हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में जो मोती महल है उसमें स्थित है ये बेजा ताल, और ग्वालियर के जो प्रमुख जो जलाशय हैं उनमें गिना जाता है इसको। और इस बेजा ताल का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण बेजा ताल की बात कर रहे हैं 1850 में करवाया था महारानी बेजाबाई ने, बेजाबाई के नाम पे करवाया गया था। बेजाबाई दौलतराव सिंधिया की रानी थी और जनकोजीराव सिंधिया की माँ थी, तो इनके नाम पे करवाया गया था। और इस जलाशय को तैरता रंगमंच भी कहा जाता है, और अब इसके देखरेख की जिम्मेदारी है जो पर्यटन विभाग की है मध्य प्रदेश की। ग्वालियर में है ये, बेजाताल के नाम से पूछते हैं कई बार इसका क्वेश्चन, या फिर कई बार तैरता रंगमंच। वास्तुकला की प्रमुख कृति समरांग सूत्र, इसके लेखक कौन है? वास्तुकला की प्रमुख कृति समरांग सूत्र, इसके लेखक हैं राजा भोज। देखिए इसको समरांग सूत्र के नाम से पूछ लिया जाता है कई बार, या फिर समरांगण सूत्रधार के नाम से भी पूछ लिया जाता है, समरांगण सूत्रधार या समरांग सूत्र। ये भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित एक ज्ञानकोशीय ग्रंथ है, और जिसकी रचना राजा भोज ने की थी। राजा भोज ये धार के महान राजा थे, धार, और इन्होंने की थी इसकी रचना। राजा भोज है परमार डायनेस्टी के नवे राजा थे। ये सब चैनल पे अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री के वीडियो, उसमें जाके देख लीजिएगा, सब पढ़ाया हुआ है। परमार वंश के नवे राजा थे और इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। मध्य प्रदेश का धार इनकी मेनली राजधानी हुआ करता था। आपने कहानी सुनी होगी कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वो यहीं से आई है उस। और इसमें देखिए क्या था, अर्जुन वर्मन ने लिखा है, परमार राजा थे अर्जुन वर्मन, उनका एक लेख है, उससे पता चलता है ये कि एक बार जो चेदी देश के राजा थे गांगे देव कलचुरी और राजा भोज के बीच में युद्ध छिड़ गया। एक तरफ राजा भोज थे, दूसरी तरफ गांगे देव कलचुरी की लड़ाई चल रही थी, और उधर जो जयसिंह तेलंग थे, जयसिंह तेलंग इन दोनों की लड़ाई के बीच में कूद पड़े उसके बाद में। और उन्होंने साथ किसका दिया, जयसिंह तेलंग ने साथ दिया जो गांगे देव कलचुरी थे उनका, एक तरफ राजा भोज दूसरी तरफ गांगे देव और जयसिंह तेलंग, और ये लड़ाई चली। और ये एक बार तो गोदावरी के तट पे इन्होंने राजा भोज को घेर भी लिया था, लेकिन बाद में राजा भोज इसको पूरे कोंकण को जीतने में सफल रहे। गांगे देव कलचुरी और जयसिंह तेलंग की इसमें बुरी तरह हार हुई, और गांगे देव के राज्य का कुछ भाग भी परमार डायनेस्टी में आ गया था राजा भोज के हिस्से में। और इन दोनों को लड़ाई में बुरी तरह हराने के बाद से ही लोगों में एक कहावत प्रचलित हुई है, कहां राजा भोज और कहां गांगे तेलंग, तो उसको गंगू तेली कर दिया, एक प्रचलित हो गई। तो समय के साथ लोगों ने राजा भोज और ये गंगू तेली कहना शुरू कर दिया। ये अब आपको इसलिए बताई है ये कहानी ताकि ये नाम है समरांग सूत्र और राजा भोज, ये आप नहीं भूलेंगे जहां तक मुझे यकीन है। देवास के पास बागली गांव से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? देवास के पास बागली गांव से, देखिए देवास जिला है मध्य प्रदेश में, देवास जिला है और बागली एक गांव है। बागली देवास जिले में एक नगर है, और यहां से काली सिंध रिवर निकलती है। तो काली सिंध रिवर कहां से निकलती है? देवास के पास बागली गांव से निकलती है, और ये विंध्याचल रेंज का हिस्सा है, ये भी विंध्याचल पहाड़ियों का। और ये अपना मार्ग पूरा करके और आगे जाके ये चंबल में मर्ज हो जाती है, यानी काली सिंध भी चंबल की एक सहायक नदी है। देखिए ये यहां से बागली से उत्पन्न होके और आगे जो सोनकच्छ है, सोनकच्छ भी मध्य प्रदेश में देवास में ही स्थित एक नगर पंचायत है, उसके समीप से गुजरती है। फिर यहां से ये फिर शाजापुर जिले में प्रवेश कर जाती है, शाजापुर के बाद फिर राजगढ़ में पहुंच जाती है, राजगढ़ से होकर फिर आगे राजस्थान में पहुंच जाती है, राजस्थान के झालावाड़ जिले में, और झालावाड़ से फिर ये कोटा, और कोटा से आगे बहते हुए एक नौनेरा जगह है जहां पे चंबल में मिल जाती है। तो हमें ये इतना तो ध्यान नहीं रखना, मध्य प्रदेश का ध्यान रखना है, सोनकच्छ, देवास, शाजापुर, राजगढ़ और बागली, कालीसिंध और विंध्याचल रेंज। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए आपका।
और भी कोई क्वेरी है निसंकोच पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।